तो हैप्पी न्यू ईयर। तो वर्तमान मु आसिकी पहुँचली बालेश्वर पंचलिंगेश्वर पाखे। तो यहाँ हाँ जाऊँ 2024 रो फास्ट ब्लॉक। तो ये मुझे पंचलिंगेश्वर मंदिर बुलवा सहित जहाँ भी जंगल भितर कौन कौन जगह अच्छी बुलाई सब जगह बुलिकी देखेदेवि। तो देखूँ पंचलिंगेश्वर पूरा हॉटस्पॉट बालेश्वर रो। पूर्वर ए साइड रे प्रबल पानी आसे, ये जमी कौन ना पा कंट्रोल कर दे, बहुत अल्प पा। तो ये जो ऊपर लोक चलते से पहाड़ भितर आस कबीर आश्रम। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो वर्तमान आम जाऊ पंचलिंगेश्वर। जो मेन रास्ता अच्छे सेपटे बहुत भिड़, जेहेतु आज अच्छे 1 जनवरी नुआ वर्ष पूरा। सेठ बोधे से 2 किलोमीटर पाखापाखि आमको चलिक जाए पड़ो। से सैड में देखा सेपट रास्ता टा गाड़ी पूरा फुल अच्छी। सैड में एक्चुअली मो मामू घर, तो आम जब भी आसू छोटे बेले यहीपटे हिं चल चली जाऊ। तो यही रास्ता अच्छे चल चल जाए पड़ो। गाड़ी एपटे जावा टी कष्ट, टू व्हीलर पलब कि असुविधा ना। मुखापाखि गोटे किलोमीटर क्रस कर सारे, म्यूजिक सुविधा बोधे ये चलती किसी सांताली म्यूजिक। ओके मुझे आपको देखे दौर। सेपट देख पड़े पहाड़ पूरा आस्ते आस्ते विजिबल हेलाने। आम जो आसलु किसी देखा ना कुड़ी था, बाइक वाला माड़ी पलाऊँ समस्ते। मुझा पहुँचवा हो गलि, आधे से 200-300 मीटर अच्छी पूरा। मोर जो पुराना मेमोरी सब ताजा होगा, बहुत वर्ष पर मुझे जाऊँ है। तो मुझे आसिक पहुँचली ए सैड्रे सब घर साइड रे पार्किंग कर देते, जे भी गाड़ी एपटे नहीं आसने रखुं। अलिया पूरा भर्ती जलिया। तो ये लेफ्ट साइड को अच्छी मंदिर, मुठ जा राइट साइड को आपको गोटे पार्किंग देखे दूसरी खाली केमती कौन अच्छे। तो ये जो दुकान सब अच्छा ए गोटे 2-3 मास माने बिजनेस करिवे तांकर हिजो वर्ष सारा। तो इमेजिन करंतु केते लोक भितर थिबे। तो ए साइड रे पूरा पिकनिक एरिया, ऊपर फिस्ट करि होबनी तळे साइड रे फिस्ट करि होबो। देखछन त एटा कंप्लीटली एरिया अछि, डस्टबिन बहुत सारा अछि। तो भले एटी पानी व्यवस्था भी अच्छी, टॉयलेट अच्छी, सब व्यवस्था अच्छी। ऊपर किसी कर हेबन जहां भी फिस्ट करेंगे तले। एत भिड़े दर्शन करहब कि ना डाउट है, एक्सेस भिड़। तो या भितर होटल भी अच्छे, जदि फिस्ट करना आसिक खाईदे बुलाबूली कर सारा पर भल। तो ये कि लोक मान जोश को मानवाप पड़ो। प्रायत सब लोग 2-3 किलोमीटर चलिक आसले, भी ऊपर को 290 सीढ़ी अच्छी, तापर जाए भगवान को दर्शन हे। बर्तमान सैड्रे ओडिया जिते अच्छा, वेस्ट बेंगल सैड्रु बेंगली लोक भी सेते अच्छा। तो मुझे सीढ़ी पर्यटन पलाऊँ से पुणी स्टार्ट कर। पंचलिंगेश्वर मंदिर तो आसिक गेट पाखे पहुँचल, एठ सीढ़ी स्टार्ट। ओके बाबा पंचलिंगेश्वर सीढ़ी पूरा जाम, सीढ़ी देखा खाली लोक। तो बर्तमान देखते पंचलिंगेश्वर के लोक अच्छा पूरा फुल। लोक बहुत रिटर्न कर कम चढ़ुंट, मैं लोक सब आसिक सका पहुँचल, बर्तमान टाइम लगे 12टा। गोटे जगह आस बस। हेलो
ଏତେ ଲୋକ କେବେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିନଥିଲି ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଏ ବନେଇଛି କି ଜଣେ ଏଠି ଆଗରୁ ବହୁତ ପାଣି ରହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ଏଠୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ ଏଇ ପାଣି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛି ସେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ହେଇକି ଆସୁଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି ଆପଣ ତ ନାଁରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଏଠିକି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି କେହି ବି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେନି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଆଉ ଝରଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କରିପାରିବେ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ବା ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟି ଲୋକ କଥା ରହିଛି ଆଉ ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବନବାସ ସମୟରେ ମା ସୀତା ଏଠି ପାଞ୍ଚଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଜା ବନାସୁର ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରୂପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ଅଛି ରେମୁଣାର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖାସ କରିକି ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେଣି ଆମେ ତଳେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ଉଠାଣି କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ 20-30ଟା ସିଡ଼ି ଟିକେ ଉଠାଣି ଥାଏ ତ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତିଆ ଭିଡ଼ରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଉଠାଣି ଅଛି ହେଲା 20-30ଟା ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଏପଟେ ରିଟର୍ନ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ପାଣି ଥିଲା ବେଳେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ହାତ ପୁରେଇକି ପଥର ଭିତରେ ଆଉ ଝରଣା ଭିତରେ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଝରଣା ଭିତରେ ସେଇଟା ଭାରି ଲାଗେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗେ ଏବେ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ସେଠି ବି ଏବେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଥିବ ଏଠି ଫୋନ୍ କାହାର ବି ଲାଗୁନି ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଜୋତା ସବୁ ଜେଜୁଆଟ ପରିସର ରଖିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ଏଠି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଝରଣା ଭିତରେ ସେଠି ଚାବି ପଡ଼ିଛି ସେଠି କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ହେଉନି ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେତେ ବି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୂଜା କରିକି ଆସିବେ ତ ଏଠି ମୁଁ ଜୋତା କାଢ଼ୁନି ମୁଁ ଯିବିନି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଏଠି ଦୂରରୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଉପରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇପଟେ ଯାଇକି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ ରାମ ସୀତା ଟେମ୍ପଲ ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇଛି ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛି ଲୋକମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି
तो सेटा जो अच्छी गोटे बन देवी मंदिर अच्छी जो मैंने जंगल को जाती से माँ को प्रणाम करके जाती है तो मुझे सांगे सांगे आपको जा देख पलि एटे पा अच्छे चुरुके पा जा बेस ना बहुत अल्प पा ओके ये कौन बाजा बजुच्छी गोटे आगु मठ थिला मझे भांगिक पड़ता एवं कौन अच्छे कौन एवं कीर्तन चलती उपरे देख सब गुंफा अच्छे एठी ओके गुंफा दुई लिखाई किसी श्री बाबा पंचलिंगेश्वर तो ये छोट गोटे घर अच्छे तेपट रास्ता कबीर आश्रम एटा पूरा गोटे भिली एरिया अच्छे प्लेन देखत ये देखिए फटका सब उठ को तू आने चल सारे बाबा इबडा ने ना हाथी गो ए जो मंदिर अछि ता बैक साइड को मु जस्ट टिके जाउ छी सेठी जोटी हाथी सबळ आसी सुनती रात रे अनडा रंग रेगुलर बेडरूम कहले चलेबो रेगुलर जगह पूरा तेडा को हाथी हुडी की समथिंग एमती ओडे कहंती एटी अछंती किछ लोक जो माने जानंती से माने आसंती पड़ को नले प्राय लोक से मंदिर पाकर फिर जांती से पड़े ओहो जंगल बुल हाँ पूरा जगह देख तो एपटे पिला सब जातर को देखते तो पूरा फ्रेश पड़ी तो एपटे जो भाई कहते जे सैड्रे आ गए कुंड अच्छी मनला गोटे एत बड़ पथरटे देखा हाथी भाया धला पथरटे तो सैड्रे जमी कहते ये गोटे पोखरी अच्छे बड़ पोखरीटे अच्छे से सैड्रे हाथी मैंने पा पीते आसती मानने से आसल बेडरूम रु एपटे स्विमिंग पूल को देखा जाऊ हाथी नहांती तो वर्तमान ओके एटा पूरा जंगल भितर एटी हाथी आसबेन किए आसब लोक मैंने आज पूरा जोश्रे अच्छा जुआडे सियाड़े पलाऊँच से सैड्रे भी किसी भाई मान शब्द शुभुची आ समस्ते पावर प्लस आज हाथी तांको देखले डर की पलब है टाइम है चढ़ेटा तो आधा घंटा लगे मत से भितर आसिक बाहर पहुँचाप तो ये आहरी भिड़ प्रबल भिड़ है नेक्स्ट लेवल रोक बर्तमान भाई रे एत लोक के देखी नी पंचलिंगेश्वर लाइन कौट लगे जना भी पड़नी ये लाइन भितर लगे बहुत तुम आज देखिपर ठाकुर मुझे भावी बोलते जोता स्टाण पाख लगे
माने को पछाड़ लागि लाइन ठीक नै होइ तो जमती आप देखी पड़ते बर्तमान तो टिके भी आइडियल टाइम नो जगह को आसपाई कितु आप फांका समय बुलाई चाहूँ आप आसतु फेब्रुवारी रु मार्च एप्रिल भितर आसतु बहुत बढ़िया लगे जगटा आउ डिस्टेंस कथा कहले आम तो आसलू भद्रकु भद्रकु डिस्टेंस होगा से पखापाखि 55 किलोमीटर आपड़ी आसुच्च बालेश्वर बालेश्वर डिस्टेंस अच्छी पखापाखि 30 किलोमीटर तुम आसिक तले पहुँचलु लोक एबि चलते बर्तमान टाइम होगा पूरा 3 मन रखिए ये जो पंचलिंगेश्वर पहाड़ अच्छी से आसे नीलगिरी पाखापाखि तो नीलगिरी एठू अच्छी मात्र 10 किलोमीटर आपन जब ये आसुच्च तो आप नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर को भी बुली पारे ने कि पथर किसी ने कि तो बर्तमान आम रिटर्न करम हो 4 तो मुझे ड्रोन सॉट नौ आप देखिपड़े बस स्टाणा के दूर अच्छे आठी के सारा बस अच्छे है तो ठीक अच्छे बर्तमान यूँ आम बाहर फाइनाली गाड़ी अल्प दूर अच्छे यूँ आम पलैस बहुत बाट जदि आप ब्लग पसंद आसो तो निश्चय को लाइक सार कमेंट कर दिखाँ और जब आप फास्ट टाइम चैनल अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी थैंक्स फर वाचिंग।